इरकॉन, रेलटेल और टेक्समाइको जी, तो मैंने जो आरवीएनएल दिया हुआ 59 शेयर है 584 के भाव पे जी, और रेलटेल है 100 शेयर 504 के भाव से, इरकॉन है 81 शेयर 283 के भाव से, और टेक्समाइको है 60 शेयर है 271 के भाव से जी। रेलटेल ठीक है, आपको आरवीएनएल पे 25% का शायद लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, रेलटेल पे आपकी खरीदारी है कुछ 504 से, वहां पे भी आपको अच्छा खासा लॉस होता हुआ नजर आ रहा है। आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं स्टॉक? ये लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ना, बिल्कुल बेहतर। गौरांग जी आपके पास आना चाहूंगा, इनका एक्चुअली जो भी होल्डिंग है चारों स्टॉक रेलवे वाले ही है, तो रेलवे एज अ सेक्टर आपको कैसा नजर आ रहा है? रेलटेल, इरकॉन, टेक्समैको और इरकॉन, इस पर इनकी खरीदारी है, तो बताइए कि यहाँ पर फंडामेंटली स्टॉक तो गिरते हुए नजर आए हैं, इनकी जहां से खरीदारी है वहां से, तो क्या यहाँ पर अभी भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है? देखिए अंश, निजी तौर पर तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है, लेकिन अगर मैं रेलवे क्षेत्र की बात करूं तो पहले तो ये नहीं भूलना चाहिए कि रेलवे क्षेत्र में जितने भी शेयर जुड़े हुए हैं, चाहे वो सरकारी कंपनी हो या फिर निजी क्षेत्र की कंपनी, पिछले साल डेढ़ साल में इन कंपनियों ने 50, 100, 150, 200 गुना रिटर्न खड़ा करके दिया है, और ऐसे वातावरण में जहां पर पिछले करीबन 1-1.5 महीने से बिकवाली हावी हो रही हो और विदेशी संस्थागत निवेशकों के हफ्ते 1,00,000 करोड़ के पार की बिकवाली हुई हो, तो करेक्शन आना स्टॉक में लाजमी है। लेकिन जहां तक क्षेत्र का सवाल है, यानी कि भारतीय रेल से जुड़ी हुई कंपनी, तो बहुत सारा परिवर्तन हो रहा था, हो रहा है और आने वाले भविष्य में होगा। खास करके जो मुद्दा है लास्ट माइल कनेक्टिविटी का, वो सरकार के तरफ से कदम उठाए जा रहे कि उसका कैसे निवारण लेके आए, और रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण, तेज गति वाली ट्रेन्स, ज्यादा ट्रेन, वंदे भारत ट्रेन, बुलेट ट्रेन आने वाले भविष्य में मुंबई अहमदाबाद मुंबई पर चलेगी, तो परिवर्तन बहुत हो रहा है। दिक्कत यह है कि ये शेयर चले थे और क्योंकि इतने चले थे तो करेक्शन कुछ ज्यादा आ गया है इसमें। बिल्कुल, तो एक फंडामेंटल ओवरव्यू आपको दे दिया गया है, लेकिन अक्षय जी आपसे भी जुड़ना चाहूंगा। एक्चुअली अगर आप लेवल्स दे दें यहाँ पर, आरवीएनएल पर इनकी खरीदारी है 584 के भाव से, वहां से देखें तो स्टॉक गिरता हुआ नजर आ रहा है, 432 पर आ चुका है। रेलटेल देखें तो वहां पे 504 से इनकी खरीदारी है, वो भी 400 के नीचे फिसल चुका है। इरकॉन देखें तो 283 पर इनकी खरीदारी है, वो भी 200 के नीचे ट्रेड कर रहा है। टेक्समैको भी देखे तो इनकी खरीदारी कुछ 271 से है, ये भी 200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप क्विकली थोड़े कोई स्टॉप लॉसेस और थोड़ा अगर टारगेट बता सके इन पर। देखिए, अगर शॉर्ट टर्म या 1-2 महीने का भी आप व्यू रखते हैं तो अभी भी बहुत सारे जो भी रेल काउंटर्स है सबके व्यू आपको नेगेटिव ही दिखेंगे, तो छोटे स्टॉप लॉसेस से आप वर्क करेंगे तो स्टॉप ट्रिगर होने का डर है। तो लेवल्स में बता देता हूँ, फिर भी रेजिस्टेंस है आरवीएनएल का करीबन 500 का, और मेरा अनुमान है कि शायद स्टॉक 350 की ओर जा रहा है, तो 350 एक सपोर्ट जोन बन सकता है, तो एक वीक प्राइस स्ट्रक्चर है। इरकॉन की बात करें तो इरकॉन का जो करेंट मार्केट प्राइस है, इसमें चांसेस ज्यादा है कि 225 का एक रेजिस्टेंस के बाद स्टॉक 140 की ओर जा रहा है, तो यहाँ भी काफी नेगेटिविटी मुझे दिख रहा है। और रेलटेल की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से इसमें भी 300 तक जाने का डाउनसाइड गुंजाइश है, तो कुल मिला के और मिनिमम 5-7% का डाउनसाइड मुझे करंट रेट से मोस्ट ऑफ दी रेल काउंटर्स में दिख रहा है। अगर आपका एक्सपोजर पूरे रेल स्टॉक्स में भी है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़े से एक्सपोजर कम कर ले, क्योंकि लॉन्ग टर्म में तो सिनेरियो चेंज हो सकता है बिल्कुल, बट शॉर्ट टर्म में आप और 7-8% का अगर आप डीप कट्स लेने के लिए रेडी है तो वो करंट रेट्स भी वापस लौटने के लिए बहुत समय लग जाएगा, तो वो हिसाब से आप मैं सजेस्ट करूंगा आप थोड़ा सा अपना पोजीशनिंग रेल काउंटर्स में, सिंस यू आर एक्सपोज्ड टू ऑल द 4 काउंटर्स, थोड़ा कम कर लीजिए। एक्सपोजर कम करने की सलाह रेलवे एंसिलरी स्टॉक्स पर। आगे